I've fallen in love with I Love. I love. El bole, wow. शर्ट बहुत अच्छी है। ए महालक्ष्मी, फ्री हो गई क्या? क्यों, क्या हुआ? कुछ टाइम का आता पता है कि नहीं? ये क्या बकवास कर रही हो? ये शर्ट बहुत अच्छी है, इसे 10 साल बाद मेरा बेटा भी पहन सकता है, इसीलिए संभाल कर रखने के लिए बोला था ना। हाँ हाँ हाँ। निकाल निकाल निकाल, 50 रुपए निकाल, रोना कर आ जाएगा। अभी और टाइम बाकी है उसे आने में, रुको। निकालना। हाँ, वो आ गया, देखो पैसे पैसे रेडी रखो। निकालो पैसा अंकल जी, पैसा इधर लाओ। रुको, स्कूटर स्टार्टिंग ट्रबल दे रहा है। ए, ये स्टार्ट नहीं होगा। स्टार्ट हो गया, चलो निकालो 50 रुपए निकालो। उसने हेलमेट भी पहन लिया। अब तो निकाल, चल 50 रुपए निकाल, अब जल्दी निकाल, जल्दी निकाल। देखा ना, स्कूटर बंद हो गया। रुक जा, सिर गरम हो गया होगा। मैं कितनी भी महंगी गाड़ी ले लूं, लेकिन तेरी बात ही अलग है। ए महालक्ष्मी, गाड़ी को कवर लगा दो और शाम को फ्री रहना। हाँ, अरे पैसा निकालो ना, उससे पूछ कर आऊंगा। ए अंकल जी, ए रुको एक मिनट जरा। क्या हुआ मोहन काका, शांति से एक जगह नहीं रह सकते? पागलों की तरह इधर उधर टहलते क्यों रहते हो? तुमसे पहले तुम्हारा पेट गेट के अंदर घुसता है। पेट को नमस्कार करता। वो सब रहने दो, ये बताओ कि स्कूटर के तुमने कितने पैसे दिए? पैसे कितने दिए? ये स्कूटर लेने के लिए मैंने एक भी पैसे नहीं दिए, इसे तो मेरे मामा ने मुझे दी है। 20 साल पहले 2500 कीमत होगी, पेट्रोल का भाव भी बहुत कम था। तुझ पे भरोसा करके अब तक 5000 रुपए का नुकसान हो गया है, मुझे जानता है? मुझ पर भरोसा के लिए थैंक्स। नुकसान कैसे हुआ? आप ये गाड़ी ऑफिस ले जाएंगे ये कह के रोज मुझसे 50 रुपए शर्त में आते थे। क्या बात कर रहे हो मोहन काका, दिमाग एकदम खाली है क्या? आजकल जो पेट्रोल का भाव है उसमें गाड़ी रखी है कम बात है? मैं रोज ऐसे ही करता हूँ, गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, बंद करता हूँ और बस से जाता हूँ। अगर तुम्हारी तरह होता तो गाड़ी कब की बेचकर पैदल जा रहा होता। तू सिर्फ कंजूस ही नहीं है, महाकंजूस है। ए, इसे कंजूसी नहीं, बुद्धिमानी कहते हैं। घर के कुएं में खाने भर मछली मिल जाए तो मार्केट से कौन खरीद कर लाता है? पागल कहीं के। जानते हो, अगर तुम कुएं में उतर कर मछली पकड़ोगे ना तो वो बहुत बुरी बात होगी। चलो जाओ यहाँ से। तू जा यहाँ से, जाओ जाओ जाओ। 5000 रुपए कमाए, 500 रुपए कमीशन ला। मैं जाता हूँ। इधर, अरे देखे जा, बिना पैसे दिए ही चला गया घर। ये अभी क्यों आ गया? हाय करुणाकर। बाय। क्यों सिद्धराज जी, आपकी कार है क्या? नहीं, मैं हेलीकॉप्टर से आया हूँ। मैं ऑफिस जा रहा था, मुझे ड्रॉप करेंगे? ड्रॉप को रहने दो, तुमसे थोड़ी सी बात करनी थी, चलो अंदर चल के बात करते हैं। अरे नहीं नहीं, अंदर नहीं, एक हफ्ते से साफ सफाई चल रही है, बहुत गंदगी पड़ी है, यहीं बताइए। अरे गंदगी बंदगी को छोड़ो, अंदर चल के आराम से बैठ के बात करते हैं, चलो आ जाओ अंदर। ये तो मना करने पर भी चला गया, एक बार ये अंदर गया तो बगैर खाए हिलता भी नहीं है, वो भी एक हफ्ते का खाना एक ही दिन में, गया काम से। अरे बाप रे, आसन भी जमा लिया। सिद्धराज मामा, आप ठीक तो है ना? दीदी कैसी है? वो भी ठीक है। और महेश योगेश एकदम अच्छे हैं। आप कॉफी पियेंगे या चाय? ये कॉफी चाय पीने का टाइम है क्या? इनको तो वैसे भी कॉफी से एलर्जी है, सही कहा ना मैंने? सही कहा।
बॉर्नविटा ही देना। घर में आए हुए मेहमान को सबसे पहले पानी दिया जाता है, जल्दी लेकर आओ। आपको बॉर्नविटा चाहिए? एक रख कर दूंगा, होशियारी कर दिया, जाओ जल्दी। क्यों सिद्धराज जी, कैसे आना हुआ? तू बिल्कुल भी नहीं बदला है करुणाकर, पर पैसे बचाकर तूने अपने इस घर को बना लिया है। अरे नहीं नहीं, ये तो कंपनी की तरफ से है, आज की महंगाई में ऐसा घर। हे भगवान। मामा जी पानी। हाँ हाँ, तो निकलते हैं। वैसे परसों घर पे मैंने सत्यनारायण जी की पूजा रखी है, तुम्हें सह परिवार जरूर आना है, तुम भी आना बेटी। हम जरूर आएंगे। आप चिंता मत कीजिए, हम तीन लोग आएंगे और तीन दिन तक वहीं रुकेंगे, तीनों टाइम खाएंगे पिएंगे मजा करेंगे। जैसा ठीक लगे, चाहे तो एक महीना रहकर वहाँ पे झंडा गाड़ देना, मना नहीं करूंगा। एक और बात तो मैं कहना भूल ही गया, हमारे साथ जो स्कूल में पढ़ते थे ना, वो सब भी वहाँ पे आ रहे हैं। अरे उन लोगों को क्यों बुलाया, फोकट का खर्च करने का शौक है? अरे हम कमाते हैं खर्च करने के लिए, कोई दूसरा खर्च करे इससे अच्छा है कि हम ही खर्च कर ले। हम खर्च करेंगे तो कैसा रहेगा? मुझसे तो ये सब नहीं होने वाला है, आप खर्च कर रहे हैं ना, मुझे बहुत खुशी है। जैसा ठीक लगे वैसा कर, पर तेरा बेटा कहाँ है, नजर नहीं आ रहा है। अभी उसकी कहानी क्यों सुनाऊं? सुनिए जी, हम लोग पूजा के लिए जा रहे हैं और साड़ी भी नहीं है। आप स्कूटर से चले जाइए, मैं और सूर्या ऑटो से आ जाएंगे, ठीक है? साड़ी नहीं है, स्कूटर और पति पुराना है। बकवास बंद करो, हम तीनों स्कूटर से जाएंगे। हम तीनों जाएंगे, वो भी स्कूटर पे। इसे उठाने के लिए चार कंधों की जरूरत पड़ सकती है। आप ही जाओ स्कूटर पे, मैं ऑटो में आ जाऊंगा। और वैसे भी मुझे दूसरा ही कोई काम है। तेरी बातें सुनकर समझ रहा हूँ तुझे क्या काम होगा, वो सब छोड़, हम तीनों स्कूटर से जाएंगे। टैक्सी से चलेंगे, यही अच्छा रहेगा। टैक्सी में नहीं, हम तीनों बस में जाएंगे। बस में? मम्मा बस में नहीं जाएंगे। माँ बस में वो उल्टी जैसा होता है। ए, बार में उल्टी नहीं होती है, बस में उल्टी होती है। चला। अरे आप भी ना, ये तो बच्चा है, नहीं मानेगा। आप बस से जाइए, हम दोनों स्कूटर पे आ जाते हैं, ठीक है? ध्यान रखना, संभाल कर लेकर आना। कंजूस मत कीजिए। ए, 35 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड में मत चलाना स्कूटर को। पापा 30-35 की क्या बात कर रहे हो, मैं तो 10 के ऊपर नहीं चलाऊंगा। मेंटेन में रखना होता है भाई, मेंटेन में रखना होता है। ठीक है ठीक है, इज्जत की बिल्कुल पड़ी नहीं है और मेंटेनेंस की पड़ी है। एक मिनट रुकिए मामा, देखता हूँ पेट्रोल है कि नहीं, इनका टैंक खाली रहता है। ओह सही है, फुल टैंक भरा हुआ है। लगता है पापा को कोई लॉटरी लग गई है। जाने दो, 6 महीने से ऐसे ही है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मान गया तुम्हारे पति को, कंजूस नंबर वन। आओ बैठो। इतना लेट क्यों हुआ? आपने ही कहा था 30 की स्पीड में चलाना है, और थोड़ा फास्ट चलाऊंगा तो मिलिट्री वाले पीछे पड़ जाएंगे, सोचेंगे बॉम्ब लेके घूम रहा हूँ। डब्बा खटारा स्कूटर है। ए, तू चाहे तो मुझे कुछ भी बोल ले, मेरी गाड़ी को कुछ मत बोल। वो तो पहले से ही पता था। गाड़ी को ठीक से लेकर आया है ना? इंसान की बॉडी की चिंता नहीं है, आपको गाड़ी की चिंता है, कमाल है। गाड़ी छोड़ दो, पूजा में ध्यान दो। मैं फोन करूंगी। वैसे शंकर, तेरी बेटी की शादी की बात कहाँ तक पहुँची? वैसे तो सब कुछ ठीक है, है? पर उन्होंने शादी धूमधाम से करने को कहा है, है? लेकिन मैं क्या करूँ,
पैसे की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही, कहीं से भी इंतजाम नहीं हो पा रहा। मेरी बेटी भी उस लड़के को पसंद करती है, हाँ। लेकिन क्या करूं, मेरे जैसे गरीब आदमी की मदद कौन कर सकता है भाई। अरे भाई इस तरह की बातें क्यों कर रहा है, हम है ना, अरे हम तेरे दोस्ती हैं, फिर किस बात की टेंशन ले रहा है तू। सही कहा ना दोस्तों, हाँ। देख शंकर, मंडप का खर्चा मेरा, लड़का लड़की के कपड़े का खर्च मैं दूंगा, खाने और नाश्ते का खर्चा मैं देख लूंगा। ठीक, मंगलसूत्र मेरी तरफ से। वो क्या? हाँ, बोलिए। अब और किस बात की चिंता है तुझे? तुम लोगों का ये उपकार मैं कैसे चुका पाऊंगा? मैं मंगलसूत्र नहीं दूंगा। हाँ? क्यों भाई? और क्या करूं भाई, उपकार मानने की बात कर रहे हैं। देखो तुम खाली शादी की चिंता करो। ठीक, जैसा तुम लोग। सुनिए जी, जरा यहाँ आइए तो। क्या हुआ? ये क्या कर रहे हैं आप? शादी है, कोई मजाक है क्या? अगर तोहफा देना है तो कुछ अच्छा दीजिए ना, मंगलसूत्र क्यों बनवा कर दे रहे हो? ए, आज जो हमारा परिवार 3 टाइम का खाना खा रहा है ना, वो तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि शंकर के बाप की वजह से। मेरी पढ़ाई लिखाई से लेकर मेरी जिंदगी की हर जरूरत की पूर्ति उसके बाप ने की है। बेचारा शंकर ने तो पढ़ाई भी पूरी नहीं की, इसीलिए आज वो खेती कर रहा है, और आज उस बेचारे की परिस्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में अगर हम लोग उसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हजारों झूठ बोलकर लोग शादी करते हैं, और एक सच्ची शादी में मैं मदद नहीं कर सकता? जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। मैं कंजूस जरूर हूं, लेकिन यही मेरे जीने का तरीका है। औरों की तरह झूठे आश्वासन देकर मैं किसी के विश्वास के साथ खिलवाड़ नहीं करता। सुनो, तुम्हें शादी में जाने की जरूरत नहीं है, हमारा बेटा ही मंगलसूत्र देकर आ जाएगा। लेकिन मैं क्यों जाऊं? नहीं, मतलब मैं क्यों जाऊं ये कह रहा हूं मैं। तेरे पापा को अचानक ऑफिस में काम आ गया, वो जा नहीं सकते। तू नाराज मत हो बेटा, तू देख कर आना प्लीज। क्या माँ, उनके फ्रेंड की बेटी की शादी में मुझे जाके अपने आप को टॉर्चर करना है ना? हाँ? अब ये क्या है? फाइल। ओके, अग्रीमेंट। ओ, मेरे नाम प्रॉपर्टी लिख दिए क्या? माननीय करुणाकर जी का बेटा होने के बावजूद आखिरी साल के बीए एग्जाम में 3 बार फेल होकर भी बिना शर्म के बेफिक्र होके घूमने वाला नालायक बेटा हूं मैं। मुझे मेरे ही अस्तित्व, योग्यता, मान मर्यादा, जिम्मेदारी का पता नहीं रहा। बेशर्म होके मैं गर्व से कहता हूँ कि इन सारी चीजों के बावजूद मेरे पिताजी मुझे पेट भर खाना देते हैं। मैं हट्टा कट्टा हो गया हूँ, फिर भी मुझे शर्म नहीं है। धूम्रपान, मद्यपान और भी सारे खर्चे, लफंगागिरी के भी सारे खर्चे, इन सब के लिए मैं अपने पिताश्री पर डिपेंड हूँ। आज जो बात हुई है उसके अनुसार अगर मैं पापा के दोस्त की बेटी की शादी में नहीं गया तो मेरे पापा जो भी मुझे सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं वो सारी फैसिलिटीज बंद करके घर से बाहर निकाल देंगे। शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं, पैरों में चप्पल नहीं, और इस हालात में बेल्ट से कितना भी मार सकते हैं। PTO, ये सब कुछ मैंने सोच समझ कर लिखा है, होशो हवास में लिखा हुआ है, और ये पूरी तरह से तय कर लिया है, और इस निर्णय के पीछे कोई भी जिम्मेदार नहीं है सूर्या। पेन दीजिए पापा। सुपर हीरो। बस कितने बजे की है? ठीक है पापा, जाता हूँ। माँ मैं आता हूँ, ठीक है?
Hi baby, how are you? Hi, I'm fine. Who are you? I'm also in the fine. Hey, भगवान इसे तो इंग्लिश भी नहीं आती. तुम अकेली बैठी हो, तुम्हारी फैमिली कहाँ है? मेरी पूरी फैमिली आगे बैठी है. तो तुम यहाँ क्यों बैठी हो? बोर हो रही हूँ, रोज उनके चेहरे देख के मैं थक गई हूँ अंकल. अंकल प्लीज, अंकल विंडो सीट पे बैठने दीजिए. फ्लाइट में भी कभी विंडो सीट नहीं छोड़ा, तो फिर यहाँ कैसे छोड़ूंगा. अंकल प्लीज, डोंट वेस्ट. लो कर लो, इधर लो करो. आहा, वॉमिट करने की एक्टिंग. ऐसी एक्टिंग मैंने बचपन में बहुत की है. इसमें तो बहुत टेढ़ा है.